अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसी वॉल डेकोरेशन लेके आई हूँ जो कि आपको बहुत पसंद होगी। पिक्स वाली वॉल डेकोरेशन लेके आई हूँ, मतलब कि जैसे आपको पसंद होता है कि हमारे रूम में पेंट इस तरह का हो गया, तो हम इसमें एडिशन करने रूम में कोई अच्छी सी नहीं हो, अपनी क्रिएटिविटी करें उससे। मतलब मैं बता दूँगी कि किस तरह कर सकते हैं हम, जैसे कि हम हमारा शौक़ होता है कि पिक्स हैंग करें, खूबसूरत भी लगें वॉल पे, लेकिन हमें ना समझ नहीं आ रही थी मतलब स्क्वायर में लगाएं या हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, बट हमें सर समझ ही नहीं आ रही थी। अब हम मैं बताती हूँ कि आप किस किस टाइप की किस किस तरह की पिक्स लगा सकते हैं। जैसे कि अब ये है, ठीक है, ये देखें अभी 4 पिक्स को अब इन्होंने किस तरह नीचे से ऊपर स्टार्ट किया, ठीक है। अब ये क्या किया हुआ है जी, ये देखें ये सर्कल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर पिक्स हैंग किए हुए हैं, उसके अलावा आपके फ्रेम्स पड़े होते हैं, उन्हें डेकोरेशन के अंदर रखें। फ्रेम्स हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे हैंग करने के लिए उसे ऐसे डेकोरेट कर रहे हैं कि वो फील ही ना हो कि फ्रेम लगा हुआ है, ठीक। दूसरा थर्ड ये कि इस तरह पिक्स लगा लें, या इस तरह डोर के साथ जगह बनती है उसमें लगा लें, या कबर्ड्स के ऊपर पिक्स लगा लें, या फिर पिक्स लगा कर लाइटिंग ऊपर लगा दें तो वो बहुत आजकल ट्रेंड भी है, खूबसूरत भी लगता है। पिक्स ऊपर लाइटिंग कर दें, और जो मिरर होता है हमारा जिसको हम रोजाना यूजुअल कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाएँ, कहीं घूमने फिरने जाएँ, मेकअप करे जाते हैं, तो उसके इर्द गिर्द भी हम क्या लगा सकते हैं, पिक्स लगा सकते हैं, और उसकी जो शीशा है जो हमारा मिरर है उसके ऊपर हम लाइटिंग कर सकते हैं, वो एक बहुत खूबसूरत लगता है। आप ये कभी करके देखें। और उसके अलावा जैसे हम गैलरी में भी हम बहुत स्टाइलिश तरीके से पिक्स लगा सकते हैं, या टी वी लाउंज में भी बहुत स्टाइलिश तरीके से पिक्स लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, टेरेस, टेरेस में भी होता है।